सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्पाइडा को और बेल आइकॉन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार के गोपालगंज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत एक पिता ने अपनी मासूम बेटियों को जिंदा दफनाने की कोशिश की। घर के पास की गड्ढा खोजकर पिता ने अपनी 5 साल और 3 साल की मासूम बेटियों को जिंदा दफनाने की कोशिश की, लेकिन एन मौके पर गाँव वालों ने दोनों बच्चियों की जान बचा ली। गांव वालों की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। शराब के नशे में बेटियों पर जुल्म। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता शराब और गांजे के नशे में धुत में रहता था। नशे की हालत में वो अपनी बेटियों को खूब मारता पीटता था। उसकी आदतों की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। बेचारी बच्चियों को क्रूर पिता के पास छोड़कर माँ चली गई और बेटियां पिता के जुल्म की शिकार बनती रही। बच्चियां मात्र 5 साल और 3 साल की थी, लेकिन इसके बावजूद शख्स अपनी बच्चियों को खूब मारता था और उनसे भीख मंगवाता था। नशे में धुत पिता ने बेटियों को जिंदा दफनाने की कोशिश। आसपास के लोगों के मुताबिक अक्सर उसके घर से बच्चियों के रोने की आवाजें आती थी। उस दिन भी नशे में घर लौटे पिता ने दोनों बेटियों को खूब मारा। दोनों बच्चियां भूख से रो रही थी। बच्चियों की रोने की आवाज से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उन्हें जिंदा दफनाने की तैयारी कर ली। उसने उन्हें दफनाने के लिए गड्ढा भी खोद लिया था। वो उन्हें दफनाने ही वाला था कि गांव के एक बच्चे ने उसे देख लिया। बच्चे ने फौरन जाकर गांव वालों को ये बात बता दी, जिसके बाद लोग भागकर वहां पहुंच गए और बच्चियों की जान क्रूर पिता के हाथों से बचा ली। लोगों ने बच्चियों की जान शख्स के हाथों से बचा लिया और बच्चियों को पुलिस के हवाले कर लिया। दोनों बच्चियों को थाना लाकर इसकी सूचना श्रम विभाग के पदाधिकारियों को दी गई है। वहीं आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है।